चलते हैं छत पे पहले। तो गाइस एक बड़ा सा पौधा है जो गिर गया है यहाँ पे, तो चलिए उस पौधे को पहले उठा देते हैं और कौन सा पौधा है वो मैं बताती हूँ। यह है तो कौन कौन से पौधे हैं आइए थोड़ा सा पास से दिखा देती हूँ आपको। मैं एक चीज़ बता देती हूँ इसमें क्या चीज़ मैं डाली थी जो इतने सारे फ्लावर्स आने लगे हैं, वो है आपका कुछ इधर भी हैं, आइए दिखाते हैं आपको। और यहाँ है गुलाब, देखिए कैसे सूख गया था, फिर से नए पत्ते इसमें आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। बहुत दिनों से मैं कोई भी वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ क्योंकि आप लोग को पता है थोड़ी मैं बिजी हूँ, दूसरे कामों में थोड़े से परेशान हूँ, इसीलिए वीडियो डेली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। और जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़े से लाइफ में उथल पुथल आ गया है अभी, तो ठीक हो जाएगा तो मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगी। आज का मौसम कुछ अच्छा हो रहा है तो मेरे को मन कर रहा है कि चल के थोड़ा छत का व्यू ले लूँ और आप लोग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद थोड़ा सा मौसम जब अच्छा होता है, बारिश होने वाला होता है तो अच्छा लगता है। तो चलिए सब कुछ भुला करके मैं चलती हूँ छत पे और वहीं से करते हैं वीडियो को स्टार्टिंग। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं छत पे पहले। तो गाइस स्वागत है आप लोग का फिर से एक न्यू ब्लॉग में, और आज यहाँ हो रहा है बारिश। तो यहाँ पे देखिए मेरे छत का थोड़ा सा व्यू आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि छत पे कौन कौन से पौधे हैं और कैसे हैं। अभी बारिश हुआ नहीं कि देखिए पौधे, एक बड़ा सा पौधा है जो गिर गया है यहाँ पे। तो चलिए उस पौधे को पहले उठा देते हैं और कौन सा पौधा है वो मैं बताती हूँ। यह है कनेर का पौधा, बहुत बड़ा हो गया है इसीलिए हवा से शायद गिर गया था। ये देखिए यहाँ पे कैसे गिर गया है, और अभी बादल बना हुआ है शायद, और अभी बारिश होगा तो इसीलिए अभी बारिश हुआ तो मौसम अच्छा हुआ तो हम छत पे चले आए। और अब लाडो भी थोड़ा ठीक हो रही है तो चलो सोचे कि थोड़ा बहुत आप लोग के साथ शेयर कर लूँ व्यूज़ आज का। देखिए कितना अच्छा बैकग्राउंड में भी व्यू अच्छा लग रहा है। सारे पौधे जब पानी पड़ता है तो पौधे खुश हो जाते हैं। अभी मैं गार्डनिंग बहुत ही कम कर रही हूँ लेकिन कुछ पौधे हैं जिन्हें भी मैं किसी तरह चला रही हूँ। तो कौन कौन से पौधे हैं आइए थोड़ा सा पास से दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले इसको उठा देते हैं, ले लीजिए, उठ गया, खड़ा हो गया। ये बीच में ही छोड़ देती हूँ, साइड में रहता है इसलिए गिर जाता है। तो यहाँ पे है ये कनेर का फूल, और इसके साथ में वो देख रहे हैं ये गुलदाउदी किसी तरह सरवाइव कर रहा है, और यहाँ पे बेली का जो फूल है वो भी सरवाइव कर रहा है किसी तरह। फ्लावरिंग तो बहुत सारा हो रहा है, देखिए फ्लावरिंग तो इसमें बहुत सारा हो रहा है। और ये देखिए पुराने पुराने फूल दिख रहे हैं, नया नया कली भी दिख रहा है आपको। इसमें एक चीज़ बता देती हूँ इसमें क्या चीज़ मैं डाली थी जो इतने सारे फ्लावर्स आने लगे हैं, वो है आपका ये क्या बोलते हैं उसको, जो हड्डियों का बुरादा बोलते हैं ना, कैल्शियम की कमी पूरा करेंगे ना तो इसमें बहुत सारा फ्लावर आता है। तो इसमें मैं डाली हूँ बोन मील, बोन मील डालने के बाद इसमें बहुत सारे फ्लावर आना शुरू कर दिए। और मेरे साथ ये होता था कि पहले बेली के फूल में ही फ्लावर आते ही नहीं थे, कुछ भी डाल दो, लेकिन इस बार जब मैं उसमें डाली हूँ बोन मील तब से उसमें बहुत सारे फ्लावर आने लगे हैं। और यहाँ पे देखिए मिर्ची मैं लगा के रखी हुई हूँ, एलोवेरा है पुराना वाला, और ये मिर्ची है। यहाँ पे इसको दे दी हूँ बड़ा सा पॉट, ये बेली के फूल का, एक वहाँ है एक यहाँ है, तो इसमें सारे फूल खिल गए थे। तो मैं इसको क्या की थी ना कि इसको ये कट कर दी थी, तो नया नया देखिए इसमें निकल रहे हैं, फिर इसमें फ्लावर आएंगे, नए नए ब्रांच में ही फ्लावर आते हैं इसमें। और यहाँ पे देखिए मिर्ची है, यहाँ भी मिर्ची है, ये है तुलसी, इसके नीचे में थोड़े बहुत लगा दी हूँ, देखिए सरवाइव करता है कि नहीं। कुछ क्या बोलते हैं नेनुआ के गाछ वगैरह था। और यहाँ पे देखिए कुछ गमले जो बिल्कुल सूखे हुए नज़र आ रहे हैं आपको, और कुछ कुछ गमले में ही आपको दिखेंगे अभी, क्योंकि मैं अभी छत पे ज़्यादा कुछ केयर नहीं कर पा रही हूँ, मेरे बच्चे के हाथ में चोट लगा है तो उसी में थोड़ा बिजी रहती हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाला ग्रो बैग तो फटने भी लगा है, अमरूद लगाए थे इसमें। और यहाँ पे है नींबू, अभी चल रहा है,
तो जो भी मतलब हार्डी प्लांट्स हैं ना उन्हें मैं चला रही हूँ। बाकी सारे पौधे को मैं अभी हटा दी हूँ। कुछ बैंगन टमाटर वगैरह थे उन्हें भी मैं हटा दी हूँ, और कुछ जो गुलाब है उड़हुल है उन सारे फ्लावर्स को मैं रखी हुई हूँ। देखिए कितना तेज़ हवा बह रहा है यहाँ पे। देखिए ये जो देख रहे हैं सब गर्मी की वजह से सूख गए हैं, और इनको मैं अब हटाने वाली हूँ। टाइम नहीं मिल रहा इसलिए मैं नहीं हटा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये उड़हुल का फ्लावर है, यहाँ मिर्ची है, यहाँ है ये एलोवेरा, एलोवेरा सदाबहार। तो बस यही सब चल रहे हैं, और कुछ इधर भी हैं। आइए दिखाते हैं आपको टंकी के साइड में जो मैं कुछ रखी थी। ये देखिए ये है हरसिंगार, यहाँ पे देखिए ये है रेनलिली। रेनलिली का दो तीन प्लांट जो मैं तैयार की थी वो सब अभी चल रहा है। और यहाँ है गुलाब, देखिए कैसे सूख गया था, फिर से नए पत्ते इसमें आ रहे हैं। ये भी गुलाब का हालत थोड़ा ख़राब हो गया है, लेकिन सब जिंदा है, फिर से ठीक हो जाएगा। ये है आपका उड़हल जो कि हाइब्रिड वाला है। ये है बोगनविलिया। तो ये सारे प्लांट्स अभी चल रहे हैं। ये है रेनलिली जिसका मैं रिपोर्ट नहीं कर पाई आज तक, और ये जिसे रिपोर्ट की हूँ। तो यही है गार्डनिंग का व्यू आज का। दोस्तों पसंद आया तो एक लाइक करिए, और भी वीडियो ऐसे ही लाती रहूँगी, कभी गार्डनिंग से संबंधित और कभी होम ब्लॉग, अपना लाइफस्टाइल ब्लॉग। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए। और अभी मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, अभी बारिश शायद होगा, जम के बारिश होगा क्योंकि बादल चारों तरफ से घेरे हुए हैं, लेकिन हवा भी आ गया है। सुने हैं कि हवा आने से बारिश मतलब ये हो जाता है, नहीं बारिश पड़ता है, तो देखिए क्या होता है। और सारे पौधे भी खुश हैं बारिश हो गया तो। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।